जनता समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। भोपाल के बच्चों में फंगस का पहला केस। 3 साल की बच्ची में ब्लैक फंगस के मिले लक्षण। बच्ची को टाइप 1 डायबिटीज भी। हमीदिया में है भर्ती। भोपाल में 3 साल की एक बच्ची में ब्लैक फंगस के लक्षण दिखे। शहर में इतनी कम उम्र के ब्लैक फंगस के मरीज का यह पहला केस है। बच्ची को हमीदिया अस्पताल के म्यूकर वार्ड में भर्ती किया गया है और जहां उसका इलाज कर रहे डॉक्टर यशवीर ने बताया कि बच्ची को टाइप 1 डायबिटीज भी है। जन्म के 1 साल बाद ही उसमें बीमारी का पता चल गया था, तब से वह एंटीबायोटिक दवाएँ ले रही है, इसलिए उसमें ब्लैक फंगस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। हमने कुछ सैंपल जांच के लिए भेजे हैं जिनकी रिपोर्ट आना बाकी है। बता दें कि शहर में 18 साल के 2 बच्चों में ब्लैक फंगस मिल चुका है, जबकि प्रदेश में अब तक 18 से कम उम्र के 4 ही मरीज मिले हैं। राज्य के 13 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में ब्लैक फंगस के 14 नए केस मिले हैं, जबकि 42 नए मरीज यहां भर्ती हुए हैं। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में 1 और रीवा के SS मेडिकल कॉलेज में 2 संक्रमितों की मौत हो गई। इन मेडिकल कॉलेजों में अब तक 92 मरीजों की मौत हो चुकी है। गांधी मेडिकल कॉलेज सहित राज्य के 5 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बुधवार को ही 33 ब्लैक फंगस संक्रमित मरीजों की सर्जरी हुई है। ये थी आज की ब्रेकिंग न्यूज। इंतजार करिए हमारी अगली खबर का। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।